आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले खरगोन जिले के शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और अन्य समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और मांग पूरी नहीं होने की दशा में भोपाल जाकर आंदोलन करने की बात कही है। हम आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूर्व में भी शिक्षकों के आंदोलन किए थे, जिसका कोई भी दुर्गामी परिणाम नहीं निकला था। ऐसे में इस बार प्रदेश भर के प्रत्येक जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करके आगामी 23 सितंबर को भोपाल की सड़कों पर तिरंगा रैली निकालकर प्रदर्शन करने की सरकार को चेतावनी दी है। संघ के जिलाध्यक्ष जगदीश चौधरी ने बताया कि नवीन शिक्षक संवर्ग की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है। अगर समय रहते समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो आगामी 23 सितंबर को भोपाल में प्रदेश भर के शिक्षक आंदोलन करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले प्रांत अध्यक्ष भाई भरत पटेल के नेतृत्व में समस्त जिलों में एक दिवसीय धरना देकर रैली निकालकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जो कि हमारे पड़ोसी राज्यों में हो चुकी है। साथ ही हमारी यह जिले की जो समस्या है, कई वर्षों से हमको प्रमोन्नति नहीं मिली है, पदोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही अभी जो सार्थक ऐप चालू की गई है उसमें कई खामियां हैं, जिससे हमारे शिक्षकों को उपस्थिति लगाने में दिक्कत जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारी इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए। अगर इसके बाद भी अगर समस्या नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता और सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को न्यायपूर्वक विचार नहीं करती है, तो आगामी 13 सितंबर को राजधानी भोपाल में लाखों की संख्या में शिक्षक साथी पहुंचकर तिरंगा रैली निकालकर सरकार के सामने प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग को मनवाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जगदीश चौधरी, जिला अध्यक्ष आजाद अध्यापक शिक्षक संघ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।